और भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि इस बात का संविधान हमको तालीम देता है कि भारत के जो मुजाहिदीन आज़ादी आप उनकी इज्जत करिए। पार्टी को लॉन्च करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे और एक डेढ़ महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑफिशियली लॉन्च होगा। राजस्थान के मुख्तलिफ मकाम पर जाकर जिम्मेदार हजरात से बातचीत करेंगे, उनसे मशवरा करेंगे और बहुत से लोगों को और कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर पार्टी का काम शुरू हो जाए। कितनी सीटें हैं जो अभी तक सेलेक्ट की गई हैं राजस्थान? पहले जाहिर है पार्टी को लॉन्च करेंगे तो चुनाव लड़ने के लिए लॉन्च करेंगे, मगर अभी तो लॉन्च होना दीजिए, हम यूपी के इलेक्शन में मसरूफ हैं। एक डेढ़ महीने के अंदर इंशाल्लाह पूरा सही पिक्चर सामने आएगा। सर यूपी की अगर बात की जाए इलेक्शन को लेकर, आपकी सभा नहीं होने दी जाती, आप नहीं जा? ना ना, अभी वो तो हो जाएगी, मेरठ में होगी इंशाल्लाह। राजस्थान में कब तक मांगे, माने जो पूरी उम्मीदवार चाहे पदाधिकारी हो ऐलान करेगी? पर साहब से वही तो कहा है हम शुरू में कि डेढ़ दो महीने का टाइम लगेगा, करेंगे। जो सिखाया गया वो तो 15 अगस्त 1947 को नेहरू वजीर आजम थे, वही हम लोग उसको यौम आज़ादी मनाते हैं। अब दूसरे लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो ये नहीं समझते कि इस तरह का बातें करने से, अनाप शनाप बटने से, इससे मुजाहिदीन ने आज़ादी को तकलीफ दिया। और भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि इस बात का संविधान हमको तालीम देता है कि भारत के जो मुजाहिदीन ने आज़ादी आप उनकी इज्जत करिए। जो लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए, जलियन वाला बाग हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुखदेव हो, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल हो, अशफाकुल्ला खान हो, नेहरू हो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो, शौकत बरादरान हो, अरे कितने बड़े बड़े लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, देश को छोड़कर चले गए सिर्फ देश को आज़ाद कराने के लिए।